कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो माति संगोऽस्तु विकर्मणि। जन्मे से आन्हर होला, वो खाली अपना आप के टटोल के छू सकेला, औरी बस यही खातिर वो असक्त औरी असहाय होला, औरी हर आहट पर डरा जाला कि कहीं केहू ओकरा घात में तो नहीं खे। यह हाल दुर्योधन के बा, वो ई नइखे देख सकत कि स्वयं हस्तिनापुर के अस्तित्व खतरा में बा, वो ई नइखे देख सकत कि भरत वंश के मर्याद खतरा में बा, वो स्वयं अपना मान अभिमान का रसरी में जकड़ल खाली ई सोच सकता कि श्री कृष्ण ओकर सत्कार अस्वीकार करके ओकर अपमान कैले हा। मूरख, नारायण के स्वादिष्ट भोजन खिया के जैसे कि उनका के सम्मानित करत रहे, वो ई जानते न रहे कि महात्मा विदुर के साग के त बतिये कुछ दोसर रहे। दुर्योधन के
आगे दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई सब सो ऊंची प्रेम सगाई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामे झूठ उठाई सब सो ऊंची प्रेम सगाई। बस पारथ रथ हाँक्यो प्रेम के बस पारथ रथ हाँक्यो भूल गए ठकुराई सब सो ऊंची प्रेम सदा।
बस बस काकी जी तरीका बस। रवा का सोच रहे महात्मा हमरा तोरा से ए अभिवेक के आशा ना रहे वासुदेव। अभिवेक और न तक का तोहरा हमरा ही वना ठहरे चाहत रहे। दुर्योधन तो पहले ही दुरात्मा बा, वो तोहरा इवा ठहरला के न जाने कवन अर्थ निकासी। यदि तुम दुशासन का भवन में ठहर गए रहे तब तो शायद तोहर बात मानियो ली, बाकी अब तो वो एकदम न मानी। सुनावल हमार कर्तव्य है महात्मा, सुनल भा ना सुनल दुर्योधन के काम है। यदि सुनल चाहिए तो सुनी है और यदि सुनल ना चाहिए तो ना सुनी है। वो अपना कान में तात जी आचार्य द्रोण कृपाचार्य द्रोण पूत अश्वत्थामा और अंगराज कर्ण का वीरता के रुई भर के रख ले बा वसुदेव। ओकर कान बंद बा, वो सुनल चाहे भी तो ना सुन सके। वो ही समझता कि पांडव और सेना का सोझा आवे के असभ्यता ना दिखा सकस, जेकरा सेनापतियन में तात जी और आचार्य द्रोण भी ओखी हैं। बाकी ये दोनों तो विराट में भी रहन। विराट के बाद दोसर रहे वासुदेव, वो अर्जुन के आपन युद्ध न रहे। अर्जुन मत्स्य नरेश के आभारी रहे और ये दुर्योधन मत्स्य देश पर आक्रमण के लिए रहे। बाकी यदि अब युद्ध भइल तो वो अर्जुन के आपन युद्ध होगी। ये तो वो जानत हमें महात्मा कि यदि युद्ध भइल तो उनका गंगापुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण का विरुद्ध भी शस्त्र उठावे के पड़ी। तो फिर हो जाएगा युद्ध, दहक जाएगा हस्तिनापुर के एक न खंडहर पर एगो नया सुंदर और स्वस्थ हस्तिनापुर के निर्माण हो सके। वासुदेव तू अपन शांति प्रस्ताव लेके राज्यसभा में मत जा, कहे कि वहां जे तोहार बात सुनिए वो बेबस हवे और जे बेबस नहीं खन वो तो हर बात ना सुनी है। हाँ मैं जानत है महात्मा, जानत है, फिर भी शांति दूत बन के आयल है तो अपना कर्तव्य के पालन कैला के बादे जाइब। महारथी महावीर सुदर्शन चक्रधारी मधुसूदन शांति दूत वासुदेव श्री कृष्ण पधार रहल है। शांति दूत के प्रणाम स्वीकार करी महाराज। हे वसुदेव स्थान ग्रहण करके हमरा राज्यसभा के मान बढ़ाई। स्थान ग्रहण करी वसुदेव। प्रणाम पितामह। बिराजी बिराजी तात जी हे वसुदेव अभी बताई कि रवा हमरा अनुज पुतन का ओरी से कहा प्रस्ताव ले आयल हैं। हे महाराज गंगापुत भीष्म के प्रणाम कैला के बाद हम ई निवेदन कैल चाहत हैं कि हम केहू का ओरी से कोनो प्रस्ताव लेके नहीं आयल, हम तो स्वयं अपना ओरी से आयल हैं और अपने प्रस्ताव लेके आयल हैं। बाकी ये विश्वास अवश्य दियावत हैं कि जो कुछ हम स्वीकार कर ले ओकरा स्वीकार करे में पांडवन संकोच ना करी हैं। हे महाराज रवा तो स्वयं ज्ञानी हैं और ये जानत है कि शांति कोनो प्रस्ताव ना जोना पर बहस चले, शांति एगो आवश्यकता है। युद्ध में पराजय एक ही के होला, बाकी दोनों ओर से लड़े वाला योद्धा वीरगति पावेलन। यह राज्यसभा में गंगापुत भीष्म जैसन ज्ञानी और महात्मा बैठल हुए
कृप और द्रोण जैसन आचार्य विराजमान हमें युद्धन के जवन भीड़ एह राज्यसभा में बा वाज शायद संसार में कौनो दोसर राज्यसभा में नहीं खे और यही खातिर एह राज्यसभा के जिम्मेदारी भी सबसे अधिका बा। यदि युद्ध भइल त महात्मा और युद्धन के ई जमघट निसंदेह बिखरा जाए महाराज, निसंदेह बिखरा जाए। हे महाराज, यदि ऐसन भइल त इतिहास उस सगर आसुवन के जिम्मेदार रोवे के ठहराई जे एह महायुद्ध के बाद बहावल जाए। हे नरेश, रवा भरत वंशज हैं, रवा फिर धर्म के धरोहर बा, मर्यादन के भंडार बा, इतिहास के थाती बा, रवा न्यासधारी हैं। और रवा जैसा न्यासधारी का रहते न्यास का अपमान ना होके चाहे महाराज, न्यास का अपमान ना होके चाहे। और यही खातिर हे धर्म ध्वज रक्षक, हम जे कहे जा रहा हैं ओकरा ध्यान से सुनी। शांति कबो असंभव ना हो सके और यही खातिर कुरु वंश के शांति के राह पर ले चले महाराज, शांति के राह पर ले चली कि यही राह में भरत वंश, भारतवर्ष और इस सगर संसार के भलाई बा। इतिहास गंधार नरेश शकुनी से ही ना पूछी कि हम आके जुआ खेले में कपट काहे कैली, काहे कि वो कपट रउआ सभा में भइल रहे महाराज। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी ना पूछी कि वो भरत कुलवधु के भरल सभा में काहे घसीटत बुलौले। इतिहास इहो रउवे से पूछी महाराज, काहे कि दुर्योधन राव युवराज हवें। इतिहास दुशासन से भी ना पूछी कि वो दुर्योधन का कहला पर भरत कुलवधु द्रौपदी के लोग अवतारे का सभ्यता काहे दिखौले। इतिहास एकरा खातिर भी रउवे के दोषी, रउवे के जिम्मेदार ठहराई महाराज, रउवे के जिम्मेदार ठहराई। ऐसे जान ले कि शांति के कोनो विकल्प नहीं खे। युद्ध तो शायद केहू नहीं खे चाहत केशव। यदि केहू युद्ध नहीं खे चाहत पितामह, तो फिर ये शायद का है? शायद ई तो रउआ भी जानत है पितामह और हम भी कि युद्ध चाहे वाला एनियो बाड़न और ओनियो। एह खातिर आज शायद जैसन शब्दन के यह राज्यसभा से निकास दी है पितामह, काहे कि शायद जिसन शब्दन का छाव में शांति के बात ना हो सके। हे पितामह, समझाएं अपना नरेश के यदि कौरवन और पांडवन में मेल हो जाए तो सगरे संसार उनकर हो सकता, उनकर राज सीमा का अलावा दोसर कौनो सीमा रही ना जाए। बाकी यदि युद्ध भइल महाराज, रउआ भी कुछ वो ना रह जाए, ना अपन बेटा ना छोट भाई के बेटा। का पता रउआ के केकरा केकरा लाश पर रोवे के पड़े महाराज, केकरा केकरा लाश पर रोवे के पड़े। का रउआ भीरी राउर अनुज पुतन में से केकरो लाश आवे महाराज, तो रउआ ओकरा के शत्रु के लाश मान के कोनो तरह के आनंद के अनुभव क पाई। हे बूढ़ नरेश, ऐसे पहले के रवा प्राण त्यागी, कुल के इकट्ठा करी नरेश, कुल के इकट्ठा करी। पांडव राउर स्नेह के छाव में पोसाइल हमें, राउर स्नेह और आशीर्वाद पर अजुवो उनकर उतने अधिकार होके के चाहिए। एह खातिर हे धर्म ध्वजा रक्षक इंद्रप्रस्थ उनकरा के लौटा दे। वासुदेव, हमरा इस शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं खे। सोच तो लिहता बेटा, एमे सोचे के काबा पितामह, शर्त का अनुसार उनका 12 बरिस के बनवास स्वीकार कर लेवे के चाहत रहे और वो राज मांग रहा में। आपन ऊंच आवाज के मधिम कर दुर्योधन, मधिम करता
जैसे कुल्हाड़ गांच के काट के गिरा देला, वो सही आदमी के कपट कुल्हाड़ी बन के स्वयं ओकरे काट डालेला। और यो देखा बेटा, वासुदेव मीत के भाषा बोल रहा हमें, और ये मीत के भाषा ई कहत रहे कि हम अपन आधा राज उनका के दे दें। जब ई मिताई हो तो हमरा शत्रुता के परिभाषा समझाई पितामा। शत्रु यही युवराज जो कोनो योद्धन के कोनो बेजा युद्ध खातिर भड़कावे, जे कुछ भी वासुदेव कहले वह धर्म है। इंद्र प्रस्थम कब्बो न देव कुलगुरु। हाँ यदि वासुदेव फिर कोनो दूसर प्रस्ताव होखे तो हम ओपर विचार कर सकत हैं। रवा सभी दुर्योधन के शुभचिंतक हैं, इनकरा समझाई कहा कि भरत वंश के भविष्य के यह नासमझ योद्धा के महत्वाकांक्षा पर बलि ना चढ़ावल जा सके। और यदि प्रस्तावे के प्रश्न बा युवराज, हमरा भी एक और ही प्रस्ताव भी बा। यदि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ राखल चाहे महाराज अवस्थ राख लेस। हम पांडवन का ओरी से 5 गांव मांग रहा है, अवस्थल, वर्कास्थल, मकानदी, वर्णावत और एक दूसर गांव, खाली 5 गांव। हे नरेश, यदि रवाई 5 गांव भी दे दी तो पांडवन उनका पाके संतुष्ट हो जाए। 5 गांव और वो पांडवन के, हम और पांडवन के सुई के नोक जितना भूमि भी ना दे। हे दुर्योधन, अपन माताजी शिव भक्तिनी गांधारी के अपना लहास पर बिलाप करे खातिर काहे न्योता दे रहा हवा। वसुदेव, यदि तू दूत ना रहे लोकिता तो तोरा यह कहला पर दुर्योधन। इनकरा बोलने दी पितामा, बोलने दी। यदि हम दूत ना रहती तो का कहले तो युवराज, ऐसे हमरा माताजी के बात कहला पर हम तुहार जीभ खींच लेती। और ये तोरा बंदी बना के जेल में डाल देती। राजदूत के बंदी बनेबा युवराज, ओ अतिथि के बंदी बनेबा जकरा स्वागत खातिर कुरुश्रेष्ठ गंगापुत भीष्म और आचार्य श्रेष्ठ दोन और कृप गल रहन। हे घमंडी दुर्योधन, यदि हमरा बंदी बना सकत हवा तब अवश्य जतन करके देख ला। सैनिक, ए ग्वाला के बंदी बना लो। अरे मूरख, का कर रहल हवे। बस तू है
सकी पहचान, तू है सकी पहचान। देवेंद्र, ए चिंता के कारण का बा? जे सांझ लेखा रवा मुखमंडल के सुरुज के ढाप ले लेबा। हमार चिंता के कारण सुरुज देवता हमें उर्वशी। सुरुज देवता? हाँ, और हम उनका के ओरहनो तो नहीं दे सकत। ऐसन का देले हमें सुरुज देवता? देवी कुंती के एगो लड़का देके वहाँ के हमरा खाते समस्या ठाड़ कर दिया। देवी कुंती के तेगो बेटा राउर कृपा भी देले है देवेंद्र। यह तेगो समस्या बा उर्वशी, जे हमरा चैन से भी नहीं खे बैठे देर। उर्वशी, धरती पर एगो महायुद्ध होके वाला बा। धरती पर के युद्ध से हमरा का देवेंद्र? तोहरा तो कुछ नहीं खे उर्वशी, बाकी यह युद्ध के काट हमरा और सूरज देवता का हिया में अवश्य अटकल बा। सूरजपूत कर्ण यह युद्ध में एक ओर होगी और हमार बेटा अर्जुन दूसरा ओर। इतना चिंता के कवनो विषय ना हो सके, काहे कि अर्जुन सगरे दिव्यस्त्र लेके गए भाई वहां से, ओकरा भला केहू का हानि पहुंचा सकता। कर्ण का कवच के कवनो दिव्यस्त्र भेद ना सकी उर्वशी, यह खातिर हम अर्जुन का ओरी से चिंतित है। स्वर्ग में अस्त्र तो बहुत बा, बाकी कवच उहे एगो बा, कुंडलन के उहे एगो अकेल जुड़ी बा, जेकरा दिव्यास्त्र परनाम करके लौट आई है। तब ई अवश्य चिंता के विषय बा। और ये सूरजपूत पांडवन से इतना घृणा करेला, और ये खास करके अर्जुन बद खातिर जैसे जैसे वो जियत बा, जब ले ओकरा भीरी वो कवच बा और ये कुंडल बा उरुसी, तबले अर्जुन सुरक्षित नहीं खे। बाकी वो कवच और कुंडल उनका संगे ही बा देवेंद्र। एक ही उपाय बा, सुरुज देवता होकर इष्ट देवता हुए, वो दुपहरिया में उनकर पूजा करेला। यदि पूजा के समाप्ति के बाद केहू ओकरा से कुछ मांगे तो वो कबो मना ना करे। तो फिर रहुआ यह तो विचार कर रहा रही, काहे कि कर्ण के तो यह कवच में रणभूमि का ओरी ना जा दे। मीत कैसा हवा? मीत का बात है? आज बहुत खुश लोग का था। हाँ मीत, आनंद के तो छन है। तो अपना आनंद के भागीदार हमरो के बनाओ मीत। तोहरा अलावे तो अपन है आनंद के भागीदार, हम केहू दूसरा के बनाइयो न सकत है। हमार माई है आनंद के भनक पावते डेरा जाई। हमार दोगो प्रेमिका है मीत। दूगो प्रेमिका है? और तू यह दोनों प्रेमिकन क्या हमरा से अबले लुका के रखला? मी बतावा तो सही के हाँ। और यदि इनका अपहरण करे के बात हो तो हमरा बताओ, हम अभी जाते हैं। ए प्रेमिकन के हरण ना कल जा सके मीत। और मिलन तो शायद एक ही का संगे हो सकता। पहली मत बुझावा अंगराज, कवन है प्रेमिक, कहाँ है प्रेमिका, और इनका अपहरण हो कैसे ना? हम स्वयं जाके इनका अपहरण करब। हम जानत हैं मीत, बाकी प्रेमिका ऐसन है कि यदि इनका अपहरण हमरा अलावे केहू दोसर कैलस तो वो ओही के हो जाई। हम समझ ली ला मीत,
इनका मिसेगो अर्जुन के मृत्यु है और दोसर स्वयं हमार अर्जुन बद का लावे हमरा जिंदगी के कवनो लच्छे नहीं खे तका तू अर्जुन बद कहके हमरा हिस्सा के आनंद हमरा से छीन सकत हवा। अर्जुन बदता ओ अपमानन के सगरे घावन पर सनेह लेप लगाई जे जिंदगी भर हमरा पर लागत रहल बा। अर्जुन बदता ई सिद्ध कर दही कि ई सूत पुत्र अधेय कर्म से क्षत्रिय है। हे गांधारी पुत्र हमरा पे तोहार आज एगो और उपकार भइल कि तू हमरा से अर्जुन के अंतिम भेंट के प्रबंध कर दियला। ई बात नी के तरह समझ ला मीत कि हम खाली तोहार जिंदगी और ये अर्जुन के मृत्यु खातिर जिये थई। हमरा अपन अपमानन के एक एक क्षण याद पर रहल बा। उ क्षण दिन रात पीछे लेकर हमरा डंक मारत रहता। हमरा देह में रक्त नहीं खे मीत उहे माहौर दौड़ रहल बा। सूतत जागत उ सगरे दृश्य हमरा आंखिन का सोझा आवत रहता। हमरा सांस ले नहीं खे लेबे देत। बाकी अब हमरा अपमान के कथा समाप्त होके के क्षण नियरे आ रहल बा। हर क्षण का संगे नियरे आवत जा रहल बा। मीत घबरा मत मीत हमरा बधाई दा कि अब जल्दी अपना दोनों प्रेमिका में से एको का संगे अवश्य हमार मिलन होके वाला बा। आचार का सेवा में अधिरथ के प्रणाम। तू तो महाराज के सारथी होत रहला। जी आचार्य जी। ये तोहार बेटा है। जी आचार्य जी। का नाम है तोहार? राधेय। राधेय? राधेय काहे? एकरा माई के नाम राधा है। तोहार नाव तोहरा मुखमंडल का तेज से मेल नहीं खे खात बेटा। तोहरा मुखमंडल पर तो सूरज के तेज बा। तू एकर नाव कण राखा। जे आज्ञा। अच्छा अब ई बतावा तोहार आवे के का हेतु है? ई शस्त्र विद्या सीखे के जीत कर रहल बा आचार्य जी। और शस्त्र विद्या खातिर कोनो पिता अपना बेटा के रवा सिवा दोसर कहवा लेके जा सकता? हम एकरा विद्या दान देके बहुत खुश होके थी अधीरथ। क्षमा चाहते हैं आचार्य वर, हम दान न ली ही और विद्या दान में दिहल भी ना जा सके। जियत रहा। बाकी यह गुरुकुल में राजपुत्रन और क्षत्रियन का अलावा केहू किसी छना दिहल जा सके। और तोहार बेटा कर्ण यह दोनों कसौटियन पर खरा नहीं खे। अधीरथ तोहरा कोनो दोसर गुरु खोजे पड़ी। तका शिक्षा दाय है आचार्य वर। का माता सरस्वती पहले पिता के नाव पूछ ली? करण संसार चाहे हमरा जमुना नाव से पुकारे बाबा, बाकी रवा हमरा राधे कहल करी। रवा मुँह से कर्ण सुन के ऐसन लागत जैसे कि हम राउर केहू लागते नहीं खी। का हम एगो प्रश्न कर सकत है? अवश्य। ई युवक के है? ये हमार बेटा है अश्वत्थामा। मतलब न तो ही राजपुत्र है और ना ही क्षत्रिय। पर नाम आचार्य बल। गुरु द्रोण के शिष्य भी युद्ध के आज्ञा मांग रहा बा कुलगुरु। कहे कि ओकरा हस्तिनापुर का भूमि पर उगावे वाला घमंड के गाज नीक नहीं खेलागत। ऐसे पहले की सोर पकड़ ले एकरा काटी देवे चाहिए। का तोहरा भेरी खाली शब्दन के बानबा पार्थ? ई धनुष और ई बानन से भरल तरकस का खाली दिखावे खातिर बा? बाकी याद रहे कि हम ब्रह्मास्त्र ले तोहार पीछा ना छोड़ब। दान में पावल राज केहू के छत्री ना बना सके अंगराज कर्ण। आदमी के छत्री बना देला ओकर खाव खाए जोग छाती और ये ओकर बान चलावे जोग भुजा। ई सूत पूत है ओकरा हाथ में चाबुक दा दुर्योधन और ओकरा से रथ हकवावा। आजा अर्जुन ई तोहरा हाथ में मृत्यु पावे जोग नहीं खे। ऋषियन के गोत नदियन के सोत के कवन देखेला भीम। और ई मत भूला कि तोहरा सबके जन्म का विषय में भी अटपट प्रश्न कइल जा सकेला। हम ते सूत पुत्ता है कर्ण ते खाली अर्जुन के ललकार ले रहे। हम तो पांचों भैयन के ललकारत है। आवा और ये अपन सिंगत तो सिद्ध करा।
करण, करण, जीयत रहे। हे भगवान, हमरा बड़ भाग की रवा हमरा दर्शन दे ली। हे दानवीर, हमरा आवही पड़ा। तू प्रतिज्ञा बद्ध हवा की 20 दुपहरिया में आपन पूजा समाप्ति के बाद यदि केहू तुहरा से कुछ मांगी तो तू ओकरा निराश ना कर। इंद्रदेव तुहार यही प्रतिज्ञा के लाभ उठावे तुहरा भीरी आवे वाला हुए। उन्हीं संदेह तुहरा से तुहार कवच आ कुंडल मंगी है। हे दानवीर महापुरुष, उनका दोनों चीज मत दी है। ये तो संभव नहीं कि भगवान, ओ समय तो यदि केहू हमरा से हमार प्राण भी मांग ले तो हम ओहो दे दे। ई कवच भाग्य के बाण रोक सकेला बेटा? हम छीमा चाहते हैं भगवान, बाकी जान लेवे का बाद भी यदि केहू ओ बेरा हमरा से हमार कवच और ये हमार कुंडल मांगी तो हम ओकरा निराश ना करब। हमरा हमार जिंदगी से कहीं अधिक प्रिय हमार प्रतिज्ञा बा। हे भगवान, ए संसार में हमार माई राधा और ये हमार मित्र दुर्योधन का अलावे केहू हमरा अपमान छोड़ कुछ नहीं खे देले। ए खातिर हम चाहते हैं कि जब हम जाई तो लोगन के ऋणी छोड़ जाई। फिर तू ऐसन करी है, कवच कुंडल पाले भी के बाद जब वो तोहरा बर मांगे के आगे देस तब उनका से उनकर शक्ति अस्त्र मांग ली है। हे कर्ण, प्रणाम। जी यत्र है रवा, हमरा ई आशीर्वाद मत दही ब्राह्मण देता, बाकी आदेश दही कि हम रावर का सेवा कर सकत हैं। हम दूसरा ब्राह्मणन लिखा तोहरा से धन मांगे नहीं आए। इसे का होला, रवा हमरा से कुछ मांग ही आई है तो हम रावर मांग अवश्य पूरा करब। कहीं का चाहिए रउआ के? हमरा तोहार कवच चाहिए, तोहार कुंडल चाहिए। ई दोनों तो हमरा देह के हिस्सा है। रउआ हमार दूसर अस्त्र शस्त्र ले ली ही। हमरा दूसर कुछ ना चाहिए। हम तो सुन ले रहे कि तू बड़ा दानवीर हवे। ई दूसर प्रणाम काहे खातिर? पहल प्रणाम ब्राह्मण खातिर रहे और दूसर प्रणाम इंद्रदेव खातिर रहे। बाकी रवा चिंता मत करी, हम ही जानते हैं कि रवा हमरा से हमारी कवच और ये हमार कुंडल काहे मांग रहे हैं। बाकी हे इंद्रदेव, हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं, रवा हमरा से मांग लही ऐसन बेरा कि हम रवा के माना नहीं कर सकत। ये हमरा खातिर बड़ा गर्व के बात बा।
कि हमारी एगो ऐसा आदमी है जकरा अगर स्वयं देवराज इंद्र हाथ पसार लावे। हे कर्ण, शायद परम पिता ब्रह्मा खातिर तोहरा जैसन कोनो दूसर दानवीर बनावल संभव नहीं थे। सुरुज देवता तोहरा बता देले रहन कि हम आवे वाला रही। वो तोहरा इहो बतौले रहन कि हम तोहरा से काम मांगे वाला रही। फिर भी तू यह पल के आपन पीठ ना दिखौले। तू ना खाली यह पल के सामना कैले बलु ओकरा पराजित कैले। कौनो बर मांगा बेटा, जवन मन करे मांगा। इंद्र मना ना करिए। हे भगवान, कुछ देवे का बाद कुछ मांग लिया सभ्यता का विरुद्ध। यदि कुछ मांग ली तो फिर वो हमरा देला के माने ना रह जाई, ओकर जस भंग हो जाई। हम छीमा चाहते हैं भगवान, बाकी हमें बेरा कुछ मांग के दान के मर्जात के उल्लंघन न कर सकें। बाकी रवा के वर्तमान और भविष्य का परनिंदा से बचावे खातिर अवश्य हम कुछ मांगब। यदि उचित जानी तो हमरा शक्ति दही शक्ति। तथा बाकी तू एकर प्रयोग एक ही बेर कर सकत। फिर हमारा अस्त्र हमारा भीरी लवट आई। हम एकर प्रयोग दू बेर करे भी नहीं की चाहत भगवान। कहे कि संसार में हमार खाली एक ही शत्रु बा, एक ही। कुंडल कवच शरीर के जन्म से हो अंग दे दिहले उकाटी के भूले नाही प्रसंग। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी हो ई ज्ञान